जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और जैसे कि आप लोग इस सीरीज के साथ सतत जुड़े हुए हैं, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको ग्रुप डी के पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। और ये है पेपर नंबर 11। और आप जैसे जानते हैं कि मैं आपको करवा रहा हूं रीजनिंग के सारे पेपर, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो रीजनिंग ही हम पूरे पेपर में करेंगे। ये ओरिजिनल पेपर है। मैं आपको तारीख बता देता हूँ, 1/11/2018 को जो है ये पेपर कंप्लीट हुआ था। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अब बिना किसी देरी के हम पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज में, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये कहता है, ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, यस, सो दैट पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। यस, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दी गई आकृति जो है आपको उसमें से यहाँ पर क्या आकृति आएगी वो पहचाननी है। अब पहले को हम दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या कहा यहाँ पर, देखो पहले में क्या कहा गया। पहले में आपको यहाँ पर ये गोल आकृति पीछे दिखाई दे रही है इस रेक्टेंगल के। अब जब यहां से आप यहाँ जा रहे हो तो आप देखते हो कि रेक्टेंगल जो हो गया है वो ब्लैक हो गया है। इसी प्रकार से आगे वाली आकृति जो है आगे जाके वो क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, यानी कि ब्लैक हो जाएगी। तो ये कहाँ दिख रहा है? ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, और ट्रायंगल डार्क वो है बी ऑप्शन में। ज्यादा जो है इसमें देर नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको जैसे कहूं कि हर बार एक बार वीडियो को रोको, खुद से कोशिश करो आंसर लाने की, और फिर एक्सप्लेनेशन देखो, इससे आपको बेस्ट जो है वो फायदा मिलेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सादृश्यता यानी एनालॉजी का क्वेश्चन है। ग्रीन रिलेटेड है, ग्रास रिलेटेड है ग्रीन से, उसी प्रकार से डिजर्ट किससे रिलेटेड है? तो ग्रास ग्रीन होती है, डिजर्ट क्या होता है? ड्राई होता है। तो ये इसका आंसर आएगा। मैं सीधे आंसर एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, ये उम्मीद करते हुए कि आप लोग पहले रुक के खुद ट्राई करते होंगे और उसके बाद आंसर देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डायग्राम का क्वेश्चन है एक प्रकार से। और यहां पर क्या क्वेश्चन है देखो, निम्न विकल्प आकृति में से कौन सी प्रश्न आकृति के सबसे सर्वाधिक मेल खाती है? मतलब ये जो प्रश्न आकृति है इससे दिए गए चार ऑप्शन में से सबसे मेल खाती हुई आकृति आपको ढूंढना है, जो इससे रिलेटेड हो, एकदम ऐसी ही दिख रही हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ए ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक लाइन नहीं दिखाई देगी, तो ये आंसर गलत हो गया। यहाँ पर बी में भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक लाइन नहीं दिखाई देगी, ये भी गलत हो गया। सी में देखोगे तो यहाँ एक लाइन नहीं दिखाई देगी, ये भी गलत हो गया। अब ये जो है इसने प्रश्न की ओरिएंटेशन यानी कि जो स्थिति है उसको बदल दिया है, लेकिन ये डायग्राम जो है वो लगभग प्रश्न आकृति जैसा दिख रहा है। इसका मतलब आंसर डी आकृति आएगा, जो कि ऑप्शन ए पे दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए पर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। तेजी से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप लोग खुद कोशिश कर रहे हैं ऐसा मैं सोच रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिखाई दे सके। यस, उम्मीद करता हूँ और अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको। अब प्रश्न क्या है देखते हैं, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसका थिकनेस और कम कर देता हूँ। यस, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पांच दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया, रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। यानी कि रोहित जो है वो हरीश से पहले आएगा और गौतम के बाद आएगा। तो यहां पर मैंने ये लिखा रोहित, और ऊपर लिखा गौतम, और नीचे लिखा हरीश। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा है रोहित ने दौड़ हरीश से पहले, तो पहले के लिए मैंने ऊपर बना दिया, और गौतम के बाद इसके लिए नीचे बना दिया, तो रोहित बीच में आ गया। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी करी है। यानी कार्तिक जो है वो हरीश के क्या है, बाद में आएगा, लेकिन सुनील के पहले आएगा, तो सुनील मैंने बना दिया सबसे नीचे। अब यहां पर प्रश्न क्या कहा गया है? प्रश्न यह है कि उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती है? तो सबसे आगे यदि गौतम है तो इसका सही आंसर आ जाएगा गौतम, जैसे कि आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। हमेशा
ये स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। मैं आपको उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं कि धीरे से समझा सकूं। पहला कथन क्या है? कुछ पोशाक साड़ी हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया, ये रहा पोशाक और ये कुछ वाला डायग्राम इस तरीके से बनता है और ये आ गया साड़ी। तो ये बन गया डायग्राम। अब दूसरा, कोई सूट साड़ी नहीं है। तो यहां पर मैंने बनाया सूट और कोई नहीं है तो मैंने ये बना दिया। कोई पैंट पोशाक नहीं है तो मैंने इधर पैंट वाला डायग्राम बनाया और ये बन गया कोई नहीं है। देख लो सारे के सारे सही बनाए हैं। कोई कुछ पोशाक साड़ी है, देखो कुछ पोशाक ये थोड़ा सा हिस्सा साड़ी है। कोई सूट साड़ी नहीं है, कोई सूट साड़ी नहीं है। कोई पैंट पोशाक नहीं है, कोई पैंट पोशाक नहीं है, ये क्रॉस बना दिया। इसके बाद में निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ पोशाक सूट नहीं है। देखते हैं तो ध्यान दो, यहां पर मैं थोड़ा सा पेन का कलर जो है वो चेंज कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अब मेरी बात समझना, यहां पर हमको पहले कहा है कि कुछ पोशाक जो है वो साड़ी है, और ध्यान देना है कोई साड़ी जो है वो सूट नहीं है। तो यहां पर ध्यान दो, कुछ पोशाक सूट नहीं है क्योंकि कुछ पोशाक जो है वो साड़ी है, इसीलिए यही कुछ पोशाक जो है वो सूट नहीं होंगे। तो ये जो पहले वाला निष्कर्ष है वो सही हो गया। फिर से समझो, कुछ पोशाक जो है वो जब साड़ी है और कोई भी साड़ी सूट नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि कुछ पोशाक जो है वो सूट नहीं है। पहला सही हो गया। दूसरा, सभी पेंट पोशाक है। ये रही पेंट, ये रही पोशाक। सभी कैसे होगा जब हमने पहले गलत यानी नहीं कह के रखा हुआ है? तो ये दूसरा हो गया गलत। सही आंसर आ जाएगा चौथा। देख सकते हो केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। अब कलर चेंज कर रहा हूं मैं एक बार। यस, मैंने कहा कथन क्या है? एक विज्ञापन आता है अभियंता पद के लिए। अभियंता को इंजीनियर कहते हैं। अभियंता पद के लिए मेल द्वारा अपना रेज्यूमे और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजे, ये बोला गया है एक विज्ञापन में। किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए मेल के द्वारा रेज्यूम और स्कैन कॉपी प्रमाण पत्र के रूप में भेजे। क्या निष्कर्ष हम इसका निकालें इस कथन का? पहला निष्कर्ष, नौकरी तलाश योग्य अभ्यर्थी कुरियर द्वारा अपना रेज्यूमे और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजेंगे, ये हो गया गलत। आप कहेंगे सर गलत क्यों? ये शब्द समझो यहां पर, ये क्या लिखा हुआ है? कुरियर, कुरियर। और यहां पर विज्ञापन में क्या लिखा गया है? कि मेल द्वारा पहुंचाएं। तो इसका मतलब ये है कि कथन में जो बात होती है निष्कर्ष में भी लगभग वही बात होनी चाहिए। यहां पर तो कुरियर आ गया तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा, नौकरी तलाश रहे योग्य अभ्यर्थी ई मेल द्वारा अपना रेज्यूमे और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजे। ये देखो मेल आया और ये ई मेल आया, बिल्कुल सही है। तो दूसरा हो गया सही। सही आंसर आएगा चौथा, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोको, खुद से करने की कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको करना था, या फिर सरल या कठिन तब पता चलेगा, तब डिफरेंस निकाल पाओगे। तो देखो मैंने यहां पर लिखा 18 के बाद में है 23, 23 के बाद में 33, 48 और क्या है 68। तो यहां पर आप देखोगे तो इनका डिफरेंस कितना आया 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 10, 10 इनका डिफरेंस कितना आया 15, 33 और 15 कितने होते हैं 48, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आ जाएगा 48। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो 48 जो होगा इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और ये 48 और 68 का डिफरेंस, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो 5, 10, 15, 20 जो है इसका सही आंसर आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5, 10, 15 और 20 जो है इसका डिफरेंस आएगा। ओके, तो अब इसके बाद में अगला जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 25। तो आप एक काम करिए 68 में 25 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 8 और 5, 13 की 3 हासिल का 1, 6 और 2, 8 और 1, 9, तो ये क्या आ गया 93, और इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 93। चलो उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं इसको फिर से कहूंगा, आप इस क्वेश्चन को पहले रुकिए, यहां पर वीडियो रोकिए, ये पढ़िए पूरा और खुद करने की कोशिश करो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न को आपको
कैसे करना है या ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना, ध्यान देना। मैं उम्मीद करता हूं आप आ गए हो, लौट करके खुद से कर लिया है और एक बात आपने समझी होगी, पूरा प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि श्रीमान एक्स ए से प्रारंभ होने वाली मैराथन दौड़ में उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर गए, यानी नॉर्थ में 5 गए, फिर वो बी बिंदु पे पहुंचते हैं और 6 किलोमीटर, ऐसा आपने किया। और इस प्रकार के प्रश्न में उसने आखिरी में जो है बात जो बोली है वो समझना। आखिरी में उसने बात बोली कि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाई ओर मुड़ते हैं तो किस समय, इस समय उनके सामने कौन सी दिशा होगी, यानी इस समय उनके सामने की तरफ इसमें से कौन सी दिशा होगी, यानी कि उसने आपको पूरी तरीके से मूर्ख बना दिया है। क्या मैंने कहा, आपको ए पे पहुंचाया, बी सी डी ई एफ सब दूर पहुंचा दिया उसने, एच तक पहुंचा दिया और आप भी चलते चले गए, और आखिरी में उसने क्या बोला, श्रीमान एक्स सी से दाई और मुड़े तो किस दिशा में थे। तो अगली बार जब इतना लेंथी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ये करना कि प्रश्न तो पढ़ना लेकिन आखिरी वाली लाइन जरूर पढ़ लेना कि उसमें वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि कभी कभी बीच में से क्वेश्चन उड़ जाता है। अब हम इसको सिर्फ सी तक करेंगे, देखो कैसे। मैंने कहा कि एक्स जो है ए से प्रारंभ करता है, मैंने ये ए मान लिया, ये पॉइंट ए हो गया, मैराथन चलता है यानी दौड़ता है और वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। तो ये भैया यहां से यहां गया, ये हो गया, मैंने इसको 5 किलोमीटर मान लिया। बिंदु बी पर पहुंचता है, तो इसको हो गया, इसको हमने बिंदु बी कह दिया। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, उसके बाद में कहा गया है बी बिंदु पर पहुंचता है, फिर दाई ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। इसका दाया यानी कि राइट इस तरफ होगा और कितने किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर, और कहां पर पहुंच जाता है, सी पर पहुंच जाता है। फिर दाई ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अब ये हो गया दाया, और प्रश्न भी क्या बन रहा है, एक्स सी बिंदु से दाई ओर मुड़ता है तो इस समय यानी कि जब वो मुड़ता है उसके वक्त उसके सामने की दिशा कौन सी है, तो उसके सामने की दिशा जो है वो दक्षिण है, और इसका सही आंसर आ जाएगा साउथ, दक्षिण। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, जो मेरी बात तर्क की थी वो ये थी। पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आखिरी वाली लाइन को पढ़ना कि एक्चुअल क्वेश्चन वो किस पॉइंट पर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्न चित्र, मैंने प्रश्न क्या कहा, निम्न चित्र में वर्गों की संख्या की गणना करें। अब यहां पर मैंने आप है ना वर्गों की बोला, वर्ग यानी स्क्वायर होता है। अब आपको पता करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने हैं, और यहां पर ऑप्शन में आप देख सकते हो कि 17 आंसर आएगा, और मैं कैसे निकाल रहा हूं वो ध्यान दो। मैंने कहा यहां पर 1 2 3, 1 2 3, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर ये आप आकृति देखोगे तो ये पूरा का पूरा 3 बाय 3 का एक क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। और जब भी 3 बाय 3 का वर्ग बनता है तो वहां पर 14 स्क्वायर होते हैं, वर्ग होते हैं, ये बात याद रख लेना। इसके बाद में पेन का कलर चेंज कर रहा हूं जिससे कि और अच्छे से समझा सकूं। देखो अब ये जो दो अतिरिक्त जो बाहर निकलते हुए हैं ये तो दो बनेंगे ही बनेंगे, तो ये 14 में दो और जुड़ जाएगा। मैं वर्ग की बात कर रहा हूं इसलिए स्क्वायर की, और इन दोनों के आने की वजह से ये दोनों अंदर की तरफ यहां पर एक और क्या बनाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं पेन आपको चलता हुआ दिख रहा होगा। यहां पर ये दो खाने, बाजू के दो खाने से मिलके एक और स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हो गया 14 और 2 16 और 1 17। उम्मीद करता हूं कि 17 आपको दिख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना फिर से इस वीडियो को देखना पीछे जा करके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो याद रखो, फिर से एक बार बता देता हूं, जहां पर भी 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से 3 बाय 3 का आपको स्क्वायर दिखाई दे, वहां कितने जो है स्क्वायर बनते हैं, टोटल 14, याद रखना सीधे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। देखो प्रश्न में कहा गया कि ए जेड डी डब्ल्यू जी टी और जे क्यू के बाद वाला नंबर क्या आएगा। अब यदि आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स के नंबर याद हैं तो बहुत सरल काम हो जाएगा। ए जेड है, डी डी है, डी के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू जी टी है, और फिर जे क्यू है। अब देखोगे आप तो अल्फाबेटिकली नंबर देखोगे तो नंबर देखने पर आपको बढ़िया तरीके से जो है वो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। ए से जेड डी जाओगे तो ए एक होता है, डी होता है 4, ठीक है, ए एक होता है, डी 4 होता है, फिर यहां से यहां जाओगे तो जी 7 होता है, फिर यहां से यहां जाओगे तो जे 10 होता है।
तो आप एक चीज देखोगे कि एक चार तीन और एक चार सात और दस यानी तीन तीन से आगे बढ़ रहा है। तो जे के बाद तेरहवें नंबर पे क्या आएगा, तो तेरहवें नंबर पे हमेशा एम आता है, ये बात याद रखना। तेरहवें नंबर पे क्या आएगा, एम। तो इसका मतलब वो आंसर सही होगा जिसमें एम आएगा। तो यहाँ पर ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये मैं तब के लिए बता रहा हूँ जब आंसर दिखेंगे नहीं आपको। एलिमिनेट करना सीखो रीजनिंग में, तब जाकर के आपका कंफ्यूजन कम होगा। अब इसका मतलब ये दो आंसर ही होंगे, दो में से एक आंसर। अब यहाँ पे उल्टी गिनती चल रही है, जेड के बाद में क्या आया है, W, ये W है, तो Z जो होता है 26 होता है। इसके बाद में W क्या होता है, 23 होता है। इसके बाद में पीछे से जाओगे तो T 20 होता है और Q जो होता है वो 17 होता है। आप देखोगे कि यहाँ पे भी तीन का डिफरेंस आ रहा है, 26 तीन गया 23, तीन गया 20, तीन गया 17। अब इसके बाद अगला नंबर क्या आता है, तो 17 में से तीन गया तो 14 बचता है, और 14 जो होता है वो N का नंबर होता है। इसका मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा दूसरा। अल्फाबेट्स के नंबर याद रखो, उससे सरलता बहुत आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में LET को OVG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा यानी कोडिंग लैंग्वेज में MAKE को क्या लिखेंगे। तो देखो LE और T को हम क्या लिख रहे हैं, OV और G लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं ये बात ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर ध्यान दो, यदि आप संख्या के हिसाब से देखोगे तो आगे से जो L होता है वो 12 होता है, पीछे से जो O होता है वो 12 होता है। फिर से मैं संख्या की बात कर रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर्स बहुत मायने रखते हैं, आगे से भी याद रखो और उनको पीछे से भी याद रखो। 5-7 बार यदि कॉपी पे लिखोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरी बात, ई आगे से 5 होता है और वी पीछे से, यानी कि 26 जब यदि जेड से पीछे की तरफ आगे बढ़ोगे, जेड से इस तरफ से आगे बढ़ोगे तो वी 5वें नंबर पे आएगा। यदि आप आगे से 9वें नंबर की बात करते हो जी की, तो पीछे से 9वां नंबर होता है टी का। तो इस प्रकार से LET OVG नंबर सेम आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप MAKE और E को लिख सकते हो। कैसे, आगे की तरफ से देखो तो यहाँ पर M जो है तो 13वें नंबर पे आता है और N भी 13वें नंबर पे पीछे की तरफ से आता है। इसका मतलब इसका कोई ऐसा आंसर होगा जो N से शुरू हो गया, तो इसका मतलब इसका दूसरा आंसर हो नहीं सकता। बाकी बच गए तीन ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, A पहले नंबर पे होता है तो Z भी इधर से पहले नंबर पे होता है। इसका मतलब NZ सब में दिख रहे हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं K की, तो K इधर से 11वें नंबर पे होता है। पीछे से यदि हम बात करें तो P जो है वो 11वें नंबर पे होता है। अब देखोगे NZ भी सब में दिख रहा है, फिर E पे जाना ही पड़ेगा 5वां, तो पीछे 5वां आ जाएगा V। तो इस प्रकार से ये 5वां हो गया, NZPV इज द राइट आंसर। देखो नंबर से बहुत काम सरल हो जाएगा, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और अवधारणा पे। फिर से समझ लो, जो नए स्टूडेंट्स हैं, कथन हमेशा बाद में आता है और अवधारणा हमेशा पहले। कैसे, कथन आपके द्वारा बोली गई बात है और अवधारणा आपके द्वारा सोचा गया विचार है। पहले विचार आता है और फिर शब्द के रूप में कथन निकलता है। अब कथन और पूर्वधारणा को कैसे करना है, गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इस कथन को ऐसे सोचिए जैसे आपने खुद ये कहा है कि गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यदि आप कह रहे हो तो क्या आपके मन में ये विचार चलेगा, पहला वाला, कि गुड़ का रंग भूरा होता है। भाई गुड़ का रंग भूरा होता है यदि ये विचार चल रहा है तो आप स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ऐसा क्यों कहोगे। इसका मतलब पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा, गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है यदि आप ऐसा बोल रहे हो तो क्या आपके मन में ये विचार चलेगा कि गुड़ बनाने की प्रक्रिया में कच्चे माल के अच्छे गुणों को बरकरार रखा जाता है। तो ऑब्वियसली स्वास्थ्य के लिए अच्छा बोला गया है, प्रक्रिया प्रक्रिया की बात तो है ही नहीं, तो मन में ये भी विचार नहीं चलेगा। इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ना तो अवधारणा एक और ना ही अवधारणा दो अंतर्निहित है। यानी ना तो एक विचार चलेगा ना दूसरा विचार चलेगा जो हम बोल रहे हैं उसके संदर्भ में। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आ गया क्या, कथन और अवधारणा। फिर से समझो, मैंने इतनी सुलझी हुई महिला पहले कभी नहीं देखी। यदि आप कथन ये बोल रहे हो तो क्या आपके मन में ये विचार चलेगा जो पहला लिखा है, महिलाएं अक्सर खुश मिजाज होती हैं। तो यहाँ पर तो एक महिला के
जो है वो सुलझे होने की बात हो रही, और सुलझा हुआ होना किसी और तरीके से भी हो सकता है, तो यहाँ पर खुशमिजाजी का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा, पुरुष सुलझे हुए नहीं होते, कहीं पर भी कथन में पुरुषों की बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी हो गया गलत। इसलिए आंसर आ जाएगा ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। अब हर बार ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एक और दो आंसर जो है वो नहीं है आएगा, आपको उस प्रश्न के तर्क को देखना है और फिर सही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को क्या कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, और तभी यह प्रश्न बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। यस, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या है पहले तो मैं वो बता देता हूं, ये प्रश्न आकृति है और इसमें आपको ढूंढनी है उत्तर आकृति। ये एक एक दो तीन चार पांच, ये पांच आकृतियां जो है एक पैटर्न बना रही है, और उस ये ए बी सी या डी जो है वो यहाँ पर बाद वाली आकृति होगी, इनमें से कोई एक आकृति। अब मैं फिर कह रहा हूं वीडियो को रोको, थोड़ी देर खुद दिमाग लगाओ, उसके बाद में जो मैं बताऊंगा वो आपका दिमाग घुमा देगा, क्योंकि आंसर निकलना इतना सरल नहीं है, इसीलिए वीडियो रोको और खुद करने की कोशिश करो। अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसको पहले मिटा देता हूं ताकि मैं क्लियर तरीके से आपको समझा सकूं। अब जो है थोड़ा थिकनेस कम करना पड़ेगा। यस, देखो ये जो पहली आकृति दिख रही है इसमें आपको जो लाइन दिखेगी वो इस तरीके से दिखाई देगी। अब इस दूसरी आकृति को आप देखोगे तो दूसरी आकृति में आप देखोगे कि ये जो आकृति आई है ये इस तरीके से हो गई है, और इसने ये वाली लाइन को छोड़ दिया है। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक संख्या लगाऊंगा कि पहली आकृति में जो है उसने पहली आकृति से दूसरी आकृति में जाने पर एक लाइन को छोड़ा है, फिर अब वो दूसरे से जब तीसरी आकृति में जाएगा तो आप देखोगे कि वो यहां से यानी कि ये वाली लाइन से इसके जस्ट बाजू वाली लाइन पे आ गया है, ध्यान देना। तो इसका मतलब हुआ कि जब वो एक यानी दूसरी आकृति से तीसरी आकृति में गया तो उसने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा, यानी कि सीधा सीधा आ गया, कोई स्थान नहीं छोड़ा। इसके बाद में जब वो अगली आकृति में गया तो फिर यहां पर उसने कितनी लाइनों को छोड़ा, तो एक और दो को छोड़ा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब मैं इस दो को यहाँ लिख रहा हूं, तो ये दो यहाँ पर आ गया क्योंकि इसने कितनी लाइन छोड़ी है, अब दो। अब यहाँ पर मैं कुछ और लिखूंगा, तो इस आकृति से इस आकृति में जब वो वापस गया है तो ध्यान देना उसने कितनी लाइन को छोड़ा, तो यहाँ पर ध्यान दो ये यहां से वो यहां पर गया है, ठीक है? फिर से मैं तर्क को समझा रहा हूं कि पहली आकृति वो जब गया तो उसने एक लाइन छोड़ी, फिर दूसरी आकृति वो गया तो उस दूसरी लाइन को फिर आगे गया तो उसने एक लाइन के बाद में दो लाइन छोड़ी, ठीक है? एक लाइन छोड़ी, दो लाइन छोड़ी, दो लाइन छोड़ने के बाद में फिर उसने, मैं एक बार फिर से इसको ट्राई करता हूं समझाने का ताकि मैं एक सेकेंड है ना, क्योंकि है ही ये कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। देखो यहाँ थिकनेस थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहां पर मैंने क्या कहा कि पहली आकृति आप देखोगे तो पहली आकृति से जब वो दूसरी आकृति में गया तो उसने एक अंक को छोड़ा है, यानी एक लाइन को छोड़ा है, फिर जब वो दूसरी आकृति से तीसरी आकृति गया तो उसने शून्य को छोड़ा है, फिर जब वो दूसरी से इस आकृति में गया तो उसने फिर किसको छोड़ा है, दो को छोड़ा है, और दो को छोड़ने के बाद में फिर उसने किसको छोड़ा है, तो देखोगे आप तो दो के बाद अगली आकृति वह ये यहां से यहां पर जब हम गए हैं तो फिर उसने एक भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि अब वो कितनी छोड़ेगा, तीन अंक को छोड़ेगा, और तीन अंक को छोड़ने का मतलब हो गया कि एक दो और तीन को छोड़ने पर ये यहां पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ए पर दिख रहा है, बी पर नहीं दिख रहा, तो आंसर बी नहीं होगा, सी पर भी नहीं दिख रहा, डी पर भी नहीं दिख रहा, एलिमिनेट कर दिए, तो आंसर क्या आ गया, चौथा। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं इसके लिए थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूं ताकि जो है अच्छे तरीके से हमको जल्दी से जल्दी जो है ये दिखाई देने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? इसलिए ये देखो ये आंसर भी मैं आपको बता दूं, यही प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। यस ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कहा गया है, बी ओ एक्स को 21/5/24 कहा जाता है, एम ए पी को 13/116 कहते हैं, तो आर ए टी को क्या लिखेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर उसने कुछ खेल नहीं करा, सिंपल सी बात है। बी को 2 कहते हैं, ओ जो है यानी यहाँ जो ओ आ रहा है इसको 15 कहते हैं नंबर के हिसाब से, और एक्स जो होता है वो 24 होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नंबर्स को अल्फाबेटिकली और अल्फाबेट्स को नंबर के थ्रू याद कर लीजिए। इसी के प्रकार से एम ए पी को हम क्या लिखेंगे, तो एम होता है 13, ए होता है 1 और पी होता है 16, तो ये हो गया 13/116। आर ए टी आर 18 होता है, ए 1 होता है और टी 20 होता है, 18/120 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करना पड़ेगा, इसीलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो एक ही बार में हो गई। अब देखो यहां पर प्रश्न क्या कहता है, फिर से कह रहा हूं, इसके लिए भी आप क्या करो कि विचार करो, मैंने आंसर थोड़ा छुपा लिया है, कोशिश करो कि आप जो है वो खुद से कोशिश कर पाओ, और फिर ये वही दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, फिर से समझना है, मैं आपको करके बता रहा हूं, आप रुको, खुद करो और फिर देखना, ध्यान दो। यहां पर हो ये रहा है, और वाकई में दिमाग चकरा जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये देखो, ये जो एरो आ रहा है ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब यदि आप इसको दूसरे में मैच करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए इसमें क्या करना है, पहली आकृति को हमेशा एक आकृति छोड़ के, यानी कि दूसरी आकृति को मैच करना, यानी पहले को छोड़ो और दूसरी को मैच करो। तो आप देखोगे ये जो एरो है, यदि आप इसको ऐसे वॉल मानते हो, तो ये जो वॉल है इसमें, इस वॉल में ये इस तरफ आ गया है, लेकिन इसने अपना ओरिएंटेशन यानी कि अपना स्वरूप नहीं बदला है, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आ गया है, इस से इस वाली इमेज में, ये बात याद रखना। अब मैंने एरो को नीचे की तरफ ही रखा है और उनकी पोजीशन चेंज कर दी, वो इस कॉर्नर पे था तो इस कॉर्नर पे हो गया। अब इसके बाद में आप इस आकृति और इस आकृति में देखोगे तो ये जो सर्कल वाली आकृति है जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, ये अपोजिट हो जाती है तीसरी आकृति में और अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। देखो ये यहां से यहाँ अपोजिट हो गई, इसी प्रकार से आपको आकृति जो है यहाँ पर मिल जाएगी, और ये इसीलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि हम मैच कर रहे थे पहली को दूसरी से, जबकि पहले को तीसरी से मैच करना है। सबसे पहले तो मैं इस आकृति को देखता हूं, तो ये ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो ये आकृति नीचे की तरफ इस तरीके से होनी चाहिए, नीचे की तरफ इसी तरीके से देखते हैं। तो नीचे की तरफ इस तरीके से ए में नहीं दिख रही, बी में भी नहीं दिख रही, सी और डी में दिख रही है, मतलब हो सकता है कि इसका आंसर सी और डी हो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में जो अगली आकृति आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो मैं यहाँ बना के बता रहा हूं, ये आकृति कुछ इस प्रकार से है और ये आकृति दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट मतलब ऐसी हो जाएगी। तो ये आकृति कहाँ दिख रही है, ऊपर की तरफ, तो बोले सर सी में नहीं दिख रही, सी आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर जो है वो डी आकृति है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहले मन से करा होगा और यही आंसर लाए होंगे, और नहीं तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में उन अक्षरों की संख्या कितनी है, अक्षरों की संख्या हमको दिखानी है, ध्यान दे देना मेरी बात को, अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके पहले क्या आता है चिन्ह और बाद में क्या आता है अक्षर, यानी उन अक्षरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसके आगे चिन्ह आता है और बाद में अक्षर। फिर से रुको, खुद करो, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप क्या करते हो, कभी कभी एग्जाम में दोनों चीजें एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले एक ही चीज पकड़ो, यानी कि मैं सबसे पहले चिन्ह पकड़ रहा हूं, क्योंकि अक्षर के पहले क्या आना चाहिए, चिन्ह, ये शर्त है। तो यहां पर देखो, तो अक्षर ये रहा लेकिन इसके आगे संख्या है, ये संख्या है लेकिन इसके आगे चिन्ह है, ध्यान देना। मैंने आपको क्या कहा, पहले आप चिन्ह पकड़ो, ये चिन्ह आया तो इसके बाद में ये अक्षर आया, लेकिन इसके बाद में ये संख्या आ गई, तो अभी भी हमको वो चीज नहीं मिली, क्योंकि चिन्ह के बाद अक्षर और अक्षर के बाद, यानी जो अक्षर आना चाहिए उसके आगे चिन्ह होना चाहिए और पीछे अक्षर होना चाहिए। ये देखो, ये चिन्ह है, ये अक्षर है, लेकिन इसके पीछे संख्या आ गई। अब ध्यान दो, ये आया वो चिन्ह जिसके पीछे अक्षर है, और फिर इस चिन्ह, इस अक्षर के पीछे भी क्या है, अक्षर है। फिर समझ गए होंगे, मैं समझ गया हूं,
है ना। तो यहां पर ध्यान देना क्या 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 कहा मैंने, अक्षर के पहले चिन्ह आया, अक्षर के बाद अक्षर आया। दूसरा चिन्ह कहाँ है, देखो ये रहा डिवाइड का, इसके बाद एक्स आया और फिर बी आया, तो क्या हो गया, अक्षर के पहले चिन्ह, अक्षर के बाद अक्षर, ये हो गए दो, दो गिना दिए मैंने, दो के बाद में ये आया चिन्ह, ये आया अक्षर और फिर ये आया अक्षर, अक्षर के आगे चिन्ह और अक्षर के पीछे अक्षर। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, तीन। आंसर क्या आएगा, तीन। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी देर एक साथ बोलते बोलते थकान सी हो जाती है एकदम। यस, तो यहां पर ये मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे जाए। ये देखो अब आपको यहां पर करना क्या है, पहले तो मैं ये बता देता हूं, दिए गए निम्न श्रृंखला में आगे आने वाले विकल्प का चयन करिए। तो क्या कहा गया, देखो इन तीन आकृतियों को देखो और चौथे में क्या आएगा वो देखते हैं। तो आप ये करो कि ये जो बीच में सर्कल है उसको पकड़ो, तो देखो ये सर्कल कैसा दिख रहा है, ऐसा, फिर अगला सर्कल अपोजिट हो गया, फिर तीसरा सर्कल ऐसा, तो ऑब्वियसली चौथा सर्कल ऐसा होना चाहिए। तो ये वाला सर्कल आपको कहाँ दिख रहा है और कहाँ नहीं दिख रहा, जहां नहीं दिख रहा उसको एलिमिनेट कर दो। तो आप देखोगे ए आंसर इसका नहीं हो सकता, बी हो नहीं सकता, यानी सी और डी में से क्या है इसका आंसर है। एलिमिनेट करना सीखो, उससे बहुत फायदा मिलता है। अगली चीज क्या होगी, ध्यान दो, अब आपको क्या पकड़ना है, इस स्टार को पकड़ना है। तो स्टार अभी इस सतह पे है, फिर इसके अपोजिट वाली पे आ गया, फिर नीचे वाली पे आ गया, तो अब किस पे आना चाहिए, ये वाली सतह के ऊपर आना चाहिए। तो ये सतह के ऊपर स्टार कहाँ दिख रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ पर सी देखोगे तो सी पे स्टार बीच में आ गया, तो वो आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब एक बात गौर से देखो, ये जो स्टार है ये बाहर चला गया है, तो आप में से कोई ये सोच सकता है कि सर स्टार तो बाहर चला गया, लेकिन भाई आंसर तो एबीसीडी में से ही देना पड़ेगा ना। तो आप तीन को तो एलिमिनेट कर चुके हो क्योंकि एब्सोल्यूट वो रॉन्ग है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, तो भी तो आंसर लगभग सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है, तो मैं सिर्फ रीजनिंग करवा रहा हूं, इसीलिए हम सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन ही लेंगे। ये आ गया रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 तक आ गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से दी गई छवि के दर्पण में बनने वाले सभी प्रतिबिंब का चयन करें, सही प्रतिबिंब का चयन करें। अब ध्यान देने वाली बात है कि मिरर इमेज की बात है, सीधी सी बात है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है मिरर इमेज, पहले भी बता चुका हूं, अभी एक बार और बता देता हूं, इतनी देर में तो आपने कर ही लिया होगा। ये रही मिरर, तो ये मिरर है, तो मिरर के पास वाली चीज हमेशा दूसरी तरफ पास होती है। तो आप देखोगे तो ये भालू जैसी कोई चीज आपको दिख रही है जिसका मुंह यदि इस तरफ है मिरर की तरफ, तो ए ऑप्शन यानी कि ए इमेज जो है उसमें भी आपको एक जैसा ही दिख रहा है, बाकी तो कोई आंसर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका मतलब इसका ए इमेज जो होगा एग्जैक्ट सही होगा, लेकिन वो चौथे ऑप्शन पे है, ये बात याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ए इमेज देखते हैं और ए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, गलती हो जाएगी, ध्यान देना। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन पे ए है, चौथा ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बाहुबली क्वेश्चन, मैं इन क्वेश्चनों को बाहुबली क्यों कह रहा हूं, दिमाग चकरा देंगे, कोशिश करो खुद से करने की, तब जाकर के आप रियलाइज करोगे कि मैं क्या बता रहा हूं। एक सेकंड में इसको पहले जरा फ्रेम में ले आऊं, यस आ गया फ्रेम में शायद, यस ये प्रश्न है, और इसको पहले प्रश्न पढ़ लेते, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि और अच्छे से दिख जाए। यस, तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि ये चार आकृतियां हैं, और प्रश्न में है कि कौन सा चित्र समूह के साथ संबंधित नहीं है। मन से करने की कोशिश करो, ध्यान से करने की कोशिश करो, मजा आ जाएगा, दिमाग थोड़ा सा तो चकरा जाएगा, देखते हैं। अब आप करके आ गए हो तो मैं बता देता हूं, देखो सबसे पहले तो इस आकृतियों में सबसे पहले ये बूंदे कितनी है, हमारा दिमाग किधर जाता है कि बूंदे कैसी दिखाई दे रही है, ये नहीं जाएगा तो, लेकिन यहां ध्यान दो, गिनो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो इसमें 15 है टोटल बूंदे। अगला बी ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3, 4,
पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो इसमें कितनी है 14 बूंदे। सी में देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, सी में कितनी बूंदे हैं 15। अब यदि दो में 15 बूंदे आ गई हैं, इसका मतलब बी ही जो होगा वो गलत होगा, फिर भी डी को कंफर्म कर लो। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो ये बूंदों पे क्वेश्चन था, 15 बूंदे सभी जगह है, एक जगह 14 बूंदे हैं। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, आंसर देख सकते हो यहां पर, आंसर क्या है बी। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यस, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, देखते हैं फ्रेम में आ जाएगा। यस, फ्रेम में आ जाएगा। प्रश्न क्या है वो समझ लो। तो प्रश्न ये है कि आर एन पी और क्यू में से कौन सा बैग सबसे हल्का है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। प्रश्न ये है, अब कथन पहला और दूसरा आपको दिया है, और प्रश्न ये होगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त तो कौन से कथन है, या तो एक या दो या दोनों कथन या दोनों नहीं। तो आप चेक करते हैं, इस प्रश्न का जवाब देना है कि इनमें से सबसे हल्का कौन है। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर पहला कथन है कि क्यू एन से हल्का है, यानी क्यू जो है वो हल्का है किससे, एन से। तो मैंने ये लेस देन वाला एरो बना दिया यहां पे। दूसरी बात, दूसरा कथन यानी कि यदि सिर्फ इस कथन को देखोगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाओगे, पहला तो अपर्याप्त हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, Q का भार P और R के कुल भार के पांचवें हिस्से के बराबर है। फिर से समझना, कहा गया है कि जो Q का भार है वो P और R के कुल भार, तो ये हो जाएगा P प्लस Q, ये आ गया कुल भार के पांचवें हिस्से के बराबर है। इसका पांचवा हिस्सा 1/5 और ये आ जाएगा ये Q बराबर P प्लस R, यहां पर Q लिख दिया मैंने, P प्लस R 5। इसका मतलब ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, P प्लस R 5 Q। अब ध्यान दो दूसरे कथन को, दूसरा कथन ये कह रहा है कि P प्लस R 5 Q है, ये भी पर्याप्त नहीं है अकेले जवाब देने के लिए। लेकिन यदि मैं दोनों को देखूं एक साथ तो मैं ये कहूंगा कि Q जो है वो N से जो है वो हल्का है, और दूसरी बात P और R का जो योग है वो Q से कितने गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। P और R का योग Q से 5 गुना क्या है, ज्यादा है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे Q N से भी हल्का है और P और R से भी हल्का है, मतलब Q सबसे हल्का होगा, और इसके लिए आपको दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सही आंसर आएगा कथन एक और दो, दोनों ही पर्याप्त हैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में NATURE नेचर को क्या कहते हैं। तो NATURE इसको क्या कहते हैं, MBSVQ और F। अब देखते हैं कि इनमें कोडिंग क्या लग रही है। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यस, कोडिंग क्या लग रही है वो देख लेते हैं। ध्यान दो, एन का नंबर जो है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, एन का नंबर 14 होता है, एम का 13 होता है। नंबरों से बहुत तेजी से पकड़ में आ जाते हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, टी का नंबर 20 होता है ना, टी का नंबर 20 होता है, 21 होता है ना, इसके बाद में ये 20 होता है एस, और फिर टी एस जो है 21 हो जाता है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यू जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर यू का नंबर होता है 22 और ये होता है 23। आगे बढ़ते हैं, आर का नंबर 18 होता है और क्यू का नंबर 19 होता है, ठीक है, आर 18 क्यू 19 है ना, तो सॉरी आर 18 ये 17 होता है, क्यू 17 होता है, ई का 5 होता है और एफ का 6 होता है। तो थोड़ा स्क्रीन भी परेशान कर रही है, फिर से ध्यान देते हैं। यहां पर मैंने कहा N 14 होता है, M 13 होता है, फिर A और B 1 और 2 होता है। यहां पर कहा गया है, मैंने उल्टी संख्या लिख दी, S जो है वो 19 होता है ना, मैं फिर से एक बार इसको थोड़ा सा लिख देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन परेशान कर रही है, इस वजह से
दोनों तीनों चीजें ध्यान दो, एक साथ में दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, एन जो है वो 14 होता है, एम जो है वो 13 होता है, ए 1 होता है, बी 2 होता है, टी का नंबर क्या होता है, तो टी का 20 होता है, एस का 19 होता है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर यू जो होता है, यू क्या होगा, यू जो होगा 21 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आर का मतलब यहाँ पर क्या नंबर था देखते हैं, 18 है ना, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर आर के बाद में यहाँ पर क्या था, क्यू था, ये क्यू रहा। तो यहाँ पर देखोगे आप, ज्यादा डिटेल नहीं बताता, 14 फिर 13 फिर यहाँ पर इनमें वो उल्टी गिनती ले रहा है, पहले वाले में, दूसरे वाले में सीधी, फिर उल्टी गिनती, फिर सीधी गिनती। तो आपको भी यही करना है, सीधे प्रश्न पे आ जाओ, एस ओ सी आई ई टी और वाई। तो आप क्या करो, पहले में उल्टी गिनती लेना है, तो उल्टी गिनती लोगे तो ये हो गया 19, तो 18 पे क्या आता है, आर आता है, फिर उसके बाद में ओ किस पे आता है, 15, तो 15 के बाद 16 पे क्या आता है, पी आता है। आंसर भी चेक करते रहा करो, इसका मतलब चौथा और तीसरा आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत आर और पी से हो रही है। फिर सी को देखोगे, अब आपको क्या लेना है, सीधी नहीं गिनती लेकर के उल्टी गिनती, तो यहाँ पर सी 3 पे आता है, तो बी जो है वो 2 पे आता है, आई इसके बाद में 9 पे आता है, तो 9 से उल्टी गिनती लेना है, तो आपको पीछे की तरफ जाना है, ध्यान, सॉरी 3 उल्टी गिनती ले चुके हो, तो 10 आएगा और 10 जे पर आता है, तो आर पी बी जे, क्या कहा मैंने, ये आंसर आ जाएगा आर पी बी जे, क्योंकि आर पी बी एक्स दूसरे ऑप्शन पे आया, आप एलिमिनेट कर दोगे, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये बात को आपको समझना है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन दिक्कत दे रहा था, इस वजह से यहाँ थोड़ा हमने मेरे को कंफ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिर हैंग हो गया, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, यस, प्रश्न ये है, कलर चेंज करता हूं पेन का। तो यहां पर कहा गया है कि एल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, तो ये भाई एल दक्षिण की ओर, दक्षिण इस दिशा में होता है, ये एल है, अब इसका मुंह किस तरफ है, साउथ की तरफ, ये बात ध्यान रखना, और टी एल के उत्तर में 500 मीटर की दूरी पर है, यानी कि टी के एल के अपोजिट में कौन है, टी, क्योंकि यदि एल दक्षिण में है तो उत्तर में बोला गया है कि टी है। आगे बढ़ते हैं, एम एल के बाईं ओर है, एल के बाईं ओर, अब ध्यान दो कि एल जो है वो दक्षिण में है, और जब भी एरो दक्षिण में होता है तो आपका दायां बायां हो जाता है और आपका बायां दायां हो जाता है, यानी उल्टा सोचना, क्योंकि एरो उल्टा है आपसे। तो यहां पर कहा गया एम एल के बाईं ओर है, अब ध्यान दिया जाए तो एल का बाईं ओर आपका अपोजिट बनेगा दूसरी तरफ, तो यहां पर एम यहां आएगा, ये बात याद रखना मैं जो बता रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में, जहां आप सोच रहे थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये एरो उल्टा है। फिर क्या कहा गया, एम टी के सापेक्ष किस दिशा में है, यानी एम किस दिशा में है, एम पर प्रश्न बना है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो ये वो डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, तो ध्यान दो, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, तो इनके बीच में डायरेक्शन आती है दक्षिण पूर्व, आंसर आएगा दूसरा, दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, यस, अगला प्रश्न है कथन और तर्क पर आधारित। कथन क्या है, कोल्ड प्रेस तकनीक से, कोल्ड प्रेस तकनीक यानी कोल्ड प्रेस टेक्निक से तेल निकालने की पारंपरिक विधि, पारंपरिक विधि का मतलब होता है ट्रेडिशनल प्रोसेस का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यह कथन है। अब इसके पीछे तर्क क्या होगा, अब ध्यान देना है, कथन और तर्क में इस बात का ध्यान रखना है कि कथन के अंदर को जो चीज लिखी गई है उसी पर तर्क बनना चाहिए, यह बात याद रखना है, क्योंकि तर्क भी आपका एक विचार होता है। अब यहां पर कोल्ड प्रेस तकनीक से तेल निकालने की पारंपरिक विधि का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो क्या आपके मन में यह विचार चलेगा, हाँ यह हमेशा सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह तेल की प्राकृतिक प्रभाविता को बरकरार रखता है। तो सही बात है, पारंपरिक विधि के बारे में बोला गया था, और तेल और तकनीक दो तो शब्द इस्तेमाल करना, तकनीक पारंपरिक विधि और स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो यहां पर तर्क में क्या क्या आया है देख लो, तर्क में आया है हमेशा सर्वोत्तम होता है क्योंकि यह तेल प्राकृतिक प्रभाविता को क्या रखता है, बरकरार रखता है, इसीलिए पारंपरिक विधि को हम प्राकृतिक प्रभाविता से जोड़ देंगे। दूसरी बात,
नहीं, इस विधि से निकाला गया तेल आम जनता के लिए महंगा होता है, तो ये तो गलत बात हो गई। कहीं पर भी महंगे और सस्ते की बात कथन में है ही नहीं। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? केवल तीन, यानी कि तीसरा आंसर, केवल एक तर्क ही लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा समझाते वक्त। छोड़ने का संबंध पकड़ने से है, अपोजिट डायरेक्शन, तो लेने का संबंध, देने का संबंध किससे होगा? लेने से। बड़ा सरल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो उम्मीद करता हूं कि यस ये खत्म होगा, ये आ गए हम 100th क्वेश्चन तक। थैंक यू वेरी मच एक और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए, और अपनी तरफ से कमेंट जरूर करा करो, मेरे पास कमेंट एक भी व्यक्ति का नहीं आता। इस वीडियो के लिए टारगेट है 500 लाइक्स, हर बार मैं कह रहा हूं कि 500 लाइक्स करिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लक्ष्य तक मुझे पहुंचाइए, मैं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर नंबर 12 के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करिए, दिल से पढ़ाई करिए।